आप उसको छोड़ो, मेरे पे कॉन्सेंट्रेट करो। वही तो बैक फ्रॉम वन वेकेशन एंड ऑफ टू अनदर। अपनी लाइफ ऐसी हो रखी है फिलहाल, बट इतने दिनों बाद स्टेकेशन शूट करने जा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ 100 ईयर ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में, विच इज लोकेटेड इन माथेरान फॉरेस्ट। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है ना, बहुत सारे गेम्स होने वाले है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत ही कोजी विंटर एक्सपीरियंस होने वाला है। लिविंग राइट नाउ फ्रॉम नवी मुंबई। अभी हमें बाय रोड निकलना है, 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पे पहुंचते। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। Here we are at Aman Lodge Station. यहाँ से आपको एक्चुअली टॉय ट्रेन मिल जाती है। ब्रिलियंटली हम लोग हमारी 12 बजे की टॉय ट्रेन के लिए लेट हो गए, तो अभी हम लोग वो नहीं पकड़ सकते। एंड उसके बाद सीधा 1.5 घंटे बाद है। ओके, बहुत घोड़े हैं यहाँ पे, तो उसके लिए रुकना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑल द वे वॉकिंग। वॉकिंग के लिए रास्ता काफी प्यारा है, ऊपर ऐसे पेड़ों की कैनोपी बनी हुई है। फ्रेश पूप। सक्सेसफुली रीच्ड माथेरान मार्केट। यहाँ पे बहुत प्यारी है, एकदम मॉल रोड टाइप की मार्केट लगी है। वैसे तो मैंने घोड़ा पूरे अपने स्टे तक बुक किया था, बट देन यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा यार बस हो गया। तो मैंने कहा इसके आगे मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट का रास्ता है जो चल के जाऊंगी। तो अच्छी खासी रोड बनी हुई है, आप लोग आराम से जा सकते हो। कैन एंजॉय दिस एंटायर वाइब ऑफ माथेरान माथेरान। आइडियल टूरिस्ट की तरह हम लोग चेक इन करते ही पहले खाना खाने आ गए। एक्चुअली लंच टाइम हो गया है, अभी ऑलमोस्ट 2:30 हो रहा है। 3 o'clock तक यू कैन हैव योर लंच हियर। हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद चेक इन करेंगे। आज की प्रॉपर्टी आपको दिखाने के लिए आई एम सो एक्साइटेड, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स एंड रियली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। वाना खत्म करके फाइनली वी गोना चेक इनटू आवर स्टे। दिस इज गाइस आवर टुडे स्टे। दिस इज अ 100-year-old हेरिटेज होम एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कांट वेट टू सी इनसाइड। कम विद मी। मिट्टी साफ कर लो थोड़ा। सच अ रॉयल एंट्रेंस। आई मीन ऐसी प्रॉपर्टीज में ना ऐसे मतलब पूरी हिल स्टेशन की वाइब आती है, एंड ऐसी प्लेसेस यूजुअली पंचगनी, महाबलेश्वर, माथेरान टाइप प्लेसेस में दिखाई देती है, तो मुझे इसके लिए उन्होंने वाइब बहुत अच्छी लग रही है। As you enter, just look at the right side, मतलब मेरी right side. This is beautiful corridor kind of a balcony area. बहुत aesthetic लग रहा है ये. And these windows are so pretty. Like I love this vintage stuff जो होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. And यहाँ से हम जैसे आगे जाएंगे, come with me. यहाँ पे फिलहाल हमने हमारा सामान रखा हुआ है. यहाँ पे काफी सारे कमरे हैं लाइन से. I think 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 rooms which I can see, and this one is our room. And just wait till you see the room. It is so beautiful. I've seen it. अभी ऐसे नाटक करके खोल के दिखा रही हूँ दोबारा। Tantana. Oh my God. Just look at this. How pretty this room is. ये ऐसे लग रहा है ना जैसे एकदम स्टूडियो बने हुए होते हैं ना, ग्रैंड स्टूडियोज। ईच एंड एवरी थिंग इज सो वेरी वेल प्लान। यहाँ पे देखो कितना प्यारा बेड सजाया हुआ है, इतने प्यारे प्यारे कुशन रखे हुए है। बिल्कुल छेड़ने का ना मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसमें जाके ऐसे बैठूं भी, ऐसा लग रहा है बस एज इट इज, कितना सुंदर लग रहा है। एंड बेड के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे देखो, दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे ये एक लोप भी रखा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे विंटेज वाइब है। यहाँ पे भी विंडोज है, विंडोज से आपको बाहर का बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पे बहुत अच्छी चेयर है। ओ, मैं अपनी बैग क्यों नहीं उतार रही हूँ यार। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छी ये चेयर है। एंड यू नो ओवरऑल आप देखोगे ना रूम की वाइब इतनी
काम है, एकदम आपको ऐसे लगेगा ना कि मतलब बस यहीं पे रह जाऊं मैं अब। इसके बाजू में ना यहाँ पे इन्होंने ये एक स्टैंड दिया हुआ है जिसपे आपके लिए टॉवल्स है, नीचे ब्लैंकेट्स है एंड ये है आपका साइड टेबल। सो साइड टेबल पे आपको वाटर बॉटल दिए हुए है, देयर आर सम टिश्यूज, अ ब्यूटीफुल लैंप एंड लेट मी टेक यू हियर। सो इस रूम से अटैच्ड ही आपको प्राइवेट वॉशरूम है, कम विद मी, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दिस वॉशरूम इज। काफी क्लीन है गाइस, बाय द वे पूरा रूम, ये शावर एरिया देख लो, उसके साइड में ये है वॉशिंग एरिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसी तरह से इस रूम में चिल करके जब आप बाहर भी निकलोगे ना, मतलब कम विद मी, ये देखो कितनी अच्छी वाइब है, इतनी अच्छी फोटोज आ सकती है यहाँ पे, वीडियोज आ सकती है एंड बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप इस पूरी प्लेस में। एंड नॉट ओनली दिस, स्टे के अलावा भी ना यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज है। आज मैं आई हूँ, आज मैं ऑलरेडी देख रही हूँ देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव चेक्ड इनटू द टेंट्स, देन द कॉटेजेस, हम लोग उसके भी वीडियोज आपको दिखाएंगे अगर आप लोग उनको लेना चाहते हो तो। एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे शाम को होने वाली है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ, दिस गोना बी बॉनफायर कैंपिंग एज लॉन्ग एज द क्लाइमेट अलाउज। हम लोग एक ब्यूटीफुल नाइट ट्रेक में भी जाने वाले हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। नाइस लोकेशन दीज पीपल हैव, मतलब आप अगर देखोगे ना दूर दूर तक देयर आर सो मेनी ट्रीज। सो यहाँ पे आपको तीन टाइप के अकोमोडेशन ऑप्शंस मिलते हैं, वन इज द टेंट्स, यहाँ पे अगर आप पूरा रॉ कैंपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना तो काफी सारे टेंट्स लगाए हुए हैं। एंड यू नो ये इतना रॉ एंड रियल लग रहा है ना, बहुत ऐसे पेड़ों की छाव में, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, हल्का सा ये सन का बोके आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, इट लुक्स वेरी सिनेमेटिक। एंड राइट ऑपोजिट दिस इज द अदर स्टे ऑप्शन विच आई शोड यू, जहाँ पे आपको इस बहुत ही सुंदर से हेरिटेज होम में मल्टीपल रूम्स जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। रूम्स मैंने आपको दिखाया काफी लग्जूरियस है, मतलब यू नो यू वांट टू ट्राई समथिंग लग्जूरियस, देन दिस इज द प्लेस। अदर देन दिस दे आल्सो हैव फ्यू कॉटेजेस, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सो इफ यू वांट टू प्लान समथिंग इन द मिडिल ऑफ टू तो आप लोग कॉटेजेस भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे रात का एम्बियंस अलग ही खूबसूरत होता है, मतलब आप अगर आसपास देखोगे ना, दे हैव डन सच ब्यूटीफुल लाइटिंग टेंट एरिया के पास में भी। एंड शाम को हमने क्या किया ना, बढ़िया यहाँ पे ये चाइनीज खाना था, वो डिनर में एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। एंड इसके बाद हम लोग फाइनली गए पास के अलेक्जेंडर पॉइंट पे नाइट ट्रेक के लिए। ये नाइट ट्रेक क्या 10-15 मिनट का बस छोटा सा नाइट वॉक है, बट बहुत अच्छा स्टार गेजिंग टाइप का एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद इन्होंने ना यहाँ पे बॉन फायर सेटअप किया था, उसी के साथ में दैट also put this TV screen जिस पे आप movie देख सकते हो। Overall it was a beautiful end to a day. Good morning guys, it's day 2 at Alexander Heritage Home. We have had a such a beautiful morning, but हमें सुबह सुबह उठ के check out करना पड़ रहा है, I have to be somewhere else, it's kind of an emergency. But इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना सुबह सुबह, अभी मैं जाने से पहले फटाफट अपना थोड़ा सा चाय नाश्ता कर रही हूँ एंड देन यहाँ से हम निकलेंगे माथेरान मार्केट के लिए, जहाँ से हमें टॉय ट्रेन पकड़ के, आज हम लोग टॉय ट्रेन पकड़ के रहेंगे। ऑन द वे आई एम ऑल्सो टेल यू माई ब्यूटिफुल रिव्यू अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसी प्लेस का रिव्यू ब्यूटिफुल ही होना है। Had my beautiful morning tea. यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है यार, कल से पी रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। और अभी हम लोग चल के निकल रहे हैं हमारी टॉय ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ पे ना टॉय ट्रेन के टाइमिंग्स है, आते वक्त भी जाते वक्त भी, तो वो सारे टाइमिंग्स मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो चेक दैट आउट। अदर देन दैट माई रिव्यू अबाउट द प्रॉपर्टी इज आई स्टेड इन द हेरिटेज होम, देर आर अदर अकोमोडेशन एज वेल, तो आप अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लग्जूरियस था। द प्लेस इज ब्यूटिफुल एंड द रूम्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल डेकोरेटेड एज वेल। आपके मेमोरी में ऐसा रहेगा कि यार मैं ना माथेरान में जाके ऐसी जगह रुकी थी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा बाहर भी ना बहुत सारी एक्टिविटीज है करने जैसी, देयर आर फ्यू गेम्स आल्सो, यू नो ऐसे आर्चरी एंड ऑल टाइप के। देन उसके अलावा मुझे जो रात को ये लोग नाइट ट्रैक पे लेके गए थे ना डिनर के बाद, दैट वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ऐसा बहुत कम जगह होता है, वो अच्छा था। वो यहाँ से ऐसे 4-5 मिनट का वॉक था पीछे, एंड देन देयर इज अ अलेक्जेंडर पॉइंट जहाँ पे आपको लेके जाते हैं, 10-15 मिनट्स यू कैन सी द व्यू
यस रात को भी व्यू दिखाई देता है. एक्चुअली पूरी नीचे ना मार्केट की लाइट्स दिखाई देती है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सरीन. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि किसी भी एज के लोग जा सकते हैं, मतलब यू नो बड़े लोग भी जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ऐसा ट्रेल बना हुआ है. उसके बाद ये लोग रात को ऐसे मूवी स्क्रीनिंग लगा देते हैं, तो आप लोग यू नो मस्त ऐसे झाड़ियों के बीच में बैठ के ओपन में यू कैन वॉच मूवी. हमने हेरा फेरी देखी, उसके बाद और थोड़ी देर चिल किया एंड देन वी वेंट टू आवर बेड. इट वॉज अ परफेक्ट एंड टू आवर परफेक्ट डे. उसके बाद क्या, हमें पता था कि सुबह हमें जल्दी निकलना है, तो उठ के बस फ्रेश होके हम लोग निकल लिए. बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि मतलब यू नो माथेरान में आके मैंने ऑन द वे इतनी सारी प्लेसेस देखी, उसमें ना ये प्लेस मुझे थोड़ी सी अलग लगी फॉर वन थिंग. जैसे जब मैं ऑन द वे आ रही थी ना, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो मतलब ये कुली का काम करते हैं या आपको यू नो घोड़े पे लेके आते हैं या फिर वो हैंड कार्ट में लेके आते हैं, तो देयर वर ऑल लाइक अरे मैम आपने वो कौन सा होटल ले लिया, वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है. एक्चुअली लोगों का मुझे समझ नहीं आ रहा था साइकोलॉजी कि ठीक है मार्केट के बीच में बहुत सारे अलग अलग रिजॉर्ट्स एंड होटल्स थे, बट ये प्लेस है ना पहले तो इट्स नॉट बहुत दूर, बिल्कुल माथेरान मार्केट से 10-15 मिनट्स वॉक है. एंड वो वॉक भी इतनी प्यारी है ना ऐसे झाड़ियों के बीच में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एंड मेन मतलब प्रॉपर ट्रेल बना हुआ है, ऐसे नहीं है कि आप मतलब रैंडम चल के जा रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट ना जब आप यहाँ पे पहुंचते हो तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि आप अलग ही किधर आ गए हो. दिस इज एक्चुअली वेरी प्रिटी सिक्लूडेड एंड एट द सेम टाइम यू नो दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लश ग्रीनरी विच इज अ मस्ट कि अगर आप अगर ऑल द वे इतना दूर आ रहे हो तो ये तो इतना तो मिलना चाहिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. प्लस होटल स्टाफ बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी कोऑपरेटिव था, खाना बहुत अच्छा था, दिन का लंच भी अच्छा था, रात का डिनर भी अच्छा था. एंड ऑफकोर्स अभी सुबह में निकलते वक्त देख रही थी कि मिसल पाव का ब्रेकफास्ट लग रहा था, तो आई एम श्योर नाश्ता भी अच्छा होगा. आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज टेक विद मील्स पैकेजेस, बिकॉज माथेरान में ना बहुत सारी प्लेसेस काफी दूर है इस प्लेस से, क्योंकि सब मार्केट एरिया में लोकेटेड है. तो आप उससे पहले भी अगर कोई रिजॉर्ट लोगे या उसके बाद भी लोगे ना, तो आपको काफी सारा ट्रैवलिंग टाइम लगेगा. अगर आपको कुछ भी खरीदने जाना है तो अपने स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनी काइंड ऑफ यू नो बेवरेजेस यू वांट टू कैरी, यू कैन ब्रिंग दैट. यस द प्लेस आल्सो अलाउज यू टू हैव अल्कोहल एंड हैव योर काइंड ऑफ पार्टी. आई जस्ट वांटेड टू मेंशन बिकॉज़ आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स आस्किंग मी दिस. एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा बहुत फोटोजेनिक प्लेस है, अभी इससे ज्यादा और क्या बताऊं. यू कैन इमेजिन कि मगर इतना डिस्क्राइब कर रही हूं ना तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है. तो अब मैं निकलती हूं अपनी टॉय ट्रेन पकड़ने के लिए, इससे पहले कि ये भी छूट जाए. बट आप लोग मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा. आज की वीडियो का शाउट आउट जाता है मेरी पूरी चॉपमंच फैम को. वेकेशन से वापस आके ये पहली वीडियो है, तो मैं चाहती थी कि ये वीडियो मैं आप सबके लिए डेडिकेट करूं. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट. टिल देन बाय गाइज, लव यू, टेक केयर. Told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not good. Everybody you meet is dangerous. Fuckers will break your heart. Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me what am I supposed to do? Cause I've got an internet crush. अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मुंबई से सिर्फ एक घंटे के डिस्टेंस पे एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां पे आपको मिलती है 13 एडवेंचरस एक्टिविटीज अलोंग विद जिप लाइनिंग, आर्चरी एंड राइफल शूटिंग. इनका अपना एक वाटर पार्क है, कैन यू बिलीव इट. एंड इसी के साथ यू गेट अमेजिंग फूड ऑप्शंस. देन हाउ डू यू गाइस लाइक इट? हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉपमंच रिपीट एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्टेकेशन ब्लॉग. आज मैं आप लोगों को लेके आई हूं मोंटेरियो रिजॉर्ट में, व्हिच इज लोकेटेड इन खालापुर. इन दिस प्रॉपर्टी यू गेट अमेजिंग एंड मल्टीपल स्टे ऑप्शंस, जिन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी. मुझे नवी मुंबई से यहाँ पे पहुंचने में लगे एग्जैक्टली 37 मिनट्स. आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल कपल शैलेट वेयर आई एम गोइंग टू स्पेंड माय एंटायर डे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेस स्टेकेशन बिकॉज देयर इज सो मच टू डू इन दिस प्रॉपर्टी. इनफैक्ट द प्रॉपर्टी इज फुल विद पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ कंपनी टुडे. इसलिए मैं आज आपको सीधा लेके चलती हूँ अपनी स्टे की तरफ. सबसे पहले काइंडली डू नॉट माइंड द स्वेट ऑन माय बॉडी. मैं अभी अभी बहुत सारी एडवेंचर
strenuous activities करके आई हूँ and it's extremely humid today. But I'm so excited that monsoons are about to start and looking at this property, oh my god, it is going to be a great vibe here. So this is the entrance of my chalet. Come with me. Tantana. So it's like this wooden cottage. As you enter, you can see this lovely double bed. Entering into this place, मुझे इतनी ज़्यादा hill station vibe आ रही है. Looking at all the interior and this very nice double bed. यहाँ पे ना इन्होंने सब amenities दी हुई है, water kettle and all से लेकर सब कुछ. So this is going to be like the best stay option here. But इसके अलावा भी अगर आप कुछ book करना चाहो ना, then they also offer deluxe and super deluxe rooms, which are like equally comforting. These are air conditioned rooms. Along with this, अगर आपका group आ रहा है ना, तो ये AC dormitories भी offer करते हैं, जो भी बहुत comfortable लग रही थी. And now I want you all to see something जो यहाँ का highlight है. यहाँ पे आपको जो adventurous activities offer होती है, चलो वहाँ चलते हैं. Check-in करके हम लोग सीधा आ गए हैं इनके adventurous section में. Like I told you, they have 13 plus adventure activities which you can see right behind me, including zip lining. आज ना इतना hot and humid है, can see all the sweat. But मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, इसलिए ऐसे गर्मी सी हो रही है उससे पहले. And बारिश में भी यहाँ पे activities चालू रहती है. ऐसे नहीं है कि बारिश होगी तो होगी नहीं. But हमने सोचा यार, जब तक ऐसे बारिश हो नहीं रही है, हम लोग यहाँ पे एडवेंचर से ही शुरुआत करते हैं हमारे आज के स्टे की. इस टावर में 13 एक्टिविटी है. पहला एक्टिविटी रहता है नेट वाला, दूसरा वाला लॉग वाला रहता है, बाद में लैडर वाला वॉक करता है लैडर में, बाद में प्लैंक वाला है. इसमें लगता है बाद में किया सर ने जो टायर वाला एक्टिविटी, वो एक्टिविटी ऊपर जा रहा है सेकेंड प्लेटफॉर्म में. बाद में जिगजैग है, बाद में नेट वाला एक्टिविटी कर रहा है. इसके आगे वाला एक्टिविटी है वो वाला बर्मा ब्रिज बोलता है उसको. इसके आगे वाला बर्मा लूप, बाद में थर्ड प्लेटफॉर्म पे जाता है. थर्ड प्लेटफॉर्म में ब्लॉक वाला एक्टिविटी है. इसमें प्लैंक है, प्लैंक वाला एक्टिविटी. बाद में सेकेंड लास्ट एक्टिविटी रहता है उधर वाला. लास्ट एक्टिविटी है वो वुडन लॉक रहता है, उस पर पैर रखना और प्लेटफॉर्म पे आके नीचे लैडर से नीचे आना है. जो गेस्ट पहना अपने हार्नेस, उसको सीट हार्नेस बोलते हैं. उसकी कैपेसिटी अराउंड 1500 kg और जितना गियर्स है वो पूरा सर्टिफाइड गियर्स है. अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए. लेट्स ईट सम गुड फूड एंड देन लेट्स हैव सम फन इन वाटर. अब फाइनली कपड़े वपड़े चेंज करके हम लोग जा रहे हैं पूल एरिया की तरफ. लेट्स डू सम मस्ती. शाम हो गई है, द लाइट्स आर ऑन एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. अच्छी लग रही है जो ये शाम की लाइट्स होती है ना, सनसेट के बाद वाली एंड रात वाला जो एम्बियंस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर डिनर नाउ. मैंने जब यहाँ से आने से पहले यहाँ के एक्टिविटीज की लिस्ट देखी थी, सो आई गॉट टू नो कि यहाँ पे लाइव म्यूजिक प्ले होता है इनके रूफ टॉप एरिया में, जहाँ पे दे अरेंज द डिनर बुफे. सो आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ इट इज. आई होप इट इज देयर, आई कैन हियर सम म्यूजिक, नॉट दैट म्यूजिक.
Good morning, guys. It's day two. What a beautiful morning it has been, and what a vibe it was last night. मतलब मैंने सुना था live music होता है, but the entire setup इन्होंने ना क्या करके रखा है यहाँ पे, जो 4 time meals आपको serve होते हैं, lunch, dinner, high tea and even the breakfast. So they set it up at different places every time. जैसे हमारा lunch banquet hall में था and कल का हमारा dinner था rooftop restaurant में, जो बहुत beautiful लग रहा था. They had these lovely lights and a very delicious food spread, something that I actually love. You know, there were pastas, french fries, so options काफी अच्छे थे. And साथ में जब लाइव म्यूजिक चल रहा था ना, it was like a 10/10 vibe. बहुत लोग मैंने देखा, बहुत देर तक, मतलब खाना खाने के बाद भी people were sitting, they were enjoying the vibe, they were having really good time with family, their friends, the group. And overall ना बहुत, मतलब ऐसे एक होता है ना, आप दिन भर मस्ती करते हो एंड उसके बाद आप बस बैठ जाते हो आराम से, वैसी वाली vibe थी. अभी सुबह के अराउंड 7:30 बज रहे हैं, I'm enjoying my morning coffee and just this calm and सरीन वाइब. मेरे सामने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लॉन है, तो यू नो यहाँ पे जब आप शार्लेट बुक करते हो ना, तो इट्स लाइक अ सेपरेट प्राइवेट टाइप ऑफ एरिया जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अभी बहुत क्वाइट है, बहुत पीसफुल है. इनफैक्ट ओवरऑल रिजॉर्ट में ही, जबकि इतना ज्यादा क्राउड था कल, पूरा रिजॉर्ट बुक था, फिर भी यू नो देयर वाज अ वेरी गुड वाइब. ऐसा मतलब रश नहीं लग रहा था कहीं पे भी, क्योंकि प्लेस इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा स्पेशियस है ना, सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस व्हिच यू कैन एक्सप्लोर, जहाँ पे आप चलने के लिए जा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो. बहुत अच्छा लगा मुझे. नाउ आई एम गोना हैव जस्ट some lovely time here with myself and have some breakfast maybe. I've got an internet crush. She's not a celebrity but she's taken. So can I fall in love? Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. Just got done with my breakfast and now it is time for us to check out of this property. इनके check in check out timings बहुत अच्छे हैं, 12:30 to 10:30. तो आपको पूरा 22 hours का stay मिलता है, which you can enjoy in this property. Along with that, अगर आपको और भी कुछ सवाल है तो बेझिझक मुझे comments में पूछ सकते हो. I'm gonna end this video right here, but before ending the video, इस video का shout out जाता है Omkar7843 को. Thank you so much Omkar for your lovely comment. आप लोग ऐसी मेरी videos पे प्यार बरसाते रहना and मैं हर हफ्ते आपको नई नई properties दिखाती रहूंगी. If you guys enjoyed this video, don't forget to hit that like button. Also subscribe to my channel for exploring more such amazing staycations and travel content. I will see you guys in the next video. Till then, bye guys, love you, take care. If you are a Mumbaikar or Punekar, हम सब aware है पावना लेक से और यहाँ की ब्यूटी से, specially during monsoons. And अगर ऐसे सीजन में मैं आपको बताऊँ कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हिडन जेम विच यू कैन सी राइट बिहाइंड मी, जिसके एक्सटीरियर्स आपको पूरे फ्रेंच एस्थेटिक्स की वाइब देंगे एंड एट द सेम टाइम सच प्रीमियम प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर माई चॉपमंच फैम एट अ वेरी बजट प्राइस. देन हाउ अबाउट दैट? हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल Topmunch Repeat and welcome back to yet another staycation vlog. This time we are welcoming monsoon with this beautiful Pavna Lake. लोगों ने लोनावला में बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज देखी होगी, बट मुझे अक्सर ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि शमा हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ जो कपल्स फ्रेंडली हो, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल हो, सामने खूबसूरत सा व्यू हो एंड वो सारे अमेनिटीज हो जो हम लोग पसंद करते हैं. एंड ऐसे ही मेरे वांडरलस्ट लवर्स के लिए मैं आज आपको लेके आई हूँ जम्बो पैराडाइज में. एज द नेम सजेस्ट, दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग लेस देन अ पैराडाइज. एंड डिड आई टेल यू कि यहाँ पे आप अपना कपल स्टे बुक कर सकते हो सिर्फ 6,000 rupees में. That too including breakfast and including kayaking experience in the beautiful Pavna Lake. But कैसे, ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा. आज की वीडियो में ना मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ बहुत सटल रखे, क्योंकि प्रॉपर्टी की वाइब इतनी ज्यादा सटल एंड इतनी ज्यादा एस्थेटिक है. Why not to start from the property tour straight away? Come with me. जैसे ही आप कॉटेज की तरफ जाते हो, आपके कॉटेज की एंट्री के बाहर ही यू गेट दिस ब्यूटिफुल पैटियो where you can sit, enjoy your coffee, enjoy this birds chirping and this beautiful view of Pavna Lake. I mean, just look at that. Isn't it dreamy?
वेलकम टू आवर स्टे फॉर टुडे. सो दिस इज जंबो पैराडाइज ब्यूटिफुल कॉटेज, जहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है ये लवली लिविंग रूम एरिया. आई पर्सनली लव दिस प्रॉपर्टी सो मच, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आए हुए एक डेढ़ घंटा हो गया है. मैंने पूरी प्रॉपर्टी देखी है एंड इतनी सरीन वाइब बहुत दिनों से मुझे कहीं पे मिली नहीं है, जितना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है. आई लाइक हाउ दे हैव केप्ट एवरीथिंग वेरी सटल. ये प्लेस गाइज मैक्सिमम चार लोगों के लिए बहुत एप्ट है. यू विल कम टू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट यू कैन सी यहाँ पे आपको सारी अमेनिटीज मिलती है. इट इज कम्प्लीटली एयर कंडीशन. There's a smart TV and here you have a small kitchen area as well. Of course, आप cooking तो नहीं करना चाहोगे, but you can enjoy your meals. The cutleries they have provided here. At the same time, यहाँ पे आपको drawing room से attached ही मिल जाता है one clean washroom. आप देख सकते हो जैसे कि ये property बहुत premium है, यहाँ पे सब facilities आपको premium ही मिलेंगी. As you walk inside from the drawing room, there is also this beautiful one bedroom which is like lovely setup. इतना अच्छा लग रहा है ना. I think I'm gonna have a great time here. As you can see, इस कॉटेज के aesthetics इतने ज़्यादा classy है. I love the paintings they have put up. ये जो corner area यहाँ पे दिया हुआ है ना, this lounge setup, you can sit here, you can enjoy this lovely view. It is so worth the money and my God, this is something I deserve after a hectic work schedule. Bedroom में भी आपको हर तरीके की amenities दी हुई है. There's a separate TV here, there's a dressing area, a closet and a washroom here as well. इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे दो से चार लोग आराम से रह सकते हैं. ये तो हो गई कॉटेज के अंदर की बात. अब जब मैं आपको बाहर के एस्थेटिक्स दिखाऊंगी ना, आप बोलोगे शमा आप ये क्या ढूंढ के लाए हो हमारे लिए. There's a reason I call this place a hidden gem. You'll see why. आप देख सकते हो बाहर यहाँ पे इतना खूबसूरत पाथवे बनाया है इन्होंने. यहाँ की लैंडस्केपिंग मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत ग्रीनरी है. लुक एट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये. एंड इतनी शांति है ना यहाँ पे कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज नो चांस मैं लोनावला में हूँ, क्योंकि लोनावला आजकल बहुत क्राउडेड हुआ है. टुडे इज अ वीकेंड, वीकेंड के टाइम पे आजकल लोनावला में इतनी रश होने लगी है एंड ऐसे टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये लोनावला है. ये लोनावला की कोई बिल्कुल अलग साइड में देख रही हूँ जो पावना लेक से लग के है. यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव गिवन दिस ब्यूटिफुल गजीबो सेटअप, जहाँ पे अगर आप ग्रुप में आ रहे हो ना, so you can chill, you can have your party. I think it looks wonderful and this is like your own private area जहाँ पे आप chill कर सकते हो. You can relax, you can enjoy the view. ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारे areas है जहाँ पे आप बैठ के relax कर सकते हो. I think this place is something very unique and very hidden, क्योंकि लोगों को ज्यादा पता नहीं है इस place के बारे में. मैं चाहती हूँ कि मेरी video के through ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे. कितना अच्छा लगता है ऐसे जब बाहर आके हम लोग ऐसे हरे हरे lawn में walk करते हैं. यहाँ पे इन्होंने ऐसे थोड़ी सी sitting provide की है जहाँ पे आप बैठ के ये व्यू एंजॉय कर सकते हो. एंड इसी के सामने हियर वी हैव अ स्विमिंग पूल एरिया. सो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है. सिंस दे हैव ओनली 4 कॉटेजेस, तो यहाँ पे आपको कभी भी ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी. एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू बुक दिस प्लेस, देन आई विल सजेस्ट कि आप इमीडिएटली बुक करो, अदरवाइज शायद बुकिंग भी नहीं मिलेगी. बिकॉज आई थिंक दिस प्लेस जैसे ही लोगों को पता चलेगा ना, यू बुक होने वाली है. एंड नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम विद मी टू अ वेरी स्पेशल प्लेस. डिड आई टेल यू कि यहाँ पे आपको स्टे के साथ एक्सक्लूसिव पावना लेक का एक्सेस भी मिलता है, तो आप पूरा नीचे लेक तक जा सकते हो. कम आई विल शो यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. So you have to walk down a few steps and you come to this another garden area. You can see the beautiful gazebo sitting here as well. And you know what is the best part? Come with me. Is this lovely swing which is right here. इसके सामने ना मुझे कुछ नहीं दिख रहा. I can only see the lovely Pauna Lake and wow, क्या लग रहा है. हल्का हल्का कोहरा हो रहा है. I think बारिश भी होने वाली है. Can't wait for this monsoon. It's like 5 p.m. in the evening and now we are going for our kayaking. इतनी मस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे. Monsoon is about to come and I can't imagine कि यहाँ पे कितना खूबसूरत लगने वाला है. Along with your stay, you get a complimentary kayaking experience, which is like amazing. जिन जिन को पसंद है ना, who all are water babies, they are going to have a lovely time here. It is
our second day in this property today. Woke up to a beautiful view and had some really delicious breakfast. यहाँ पे आपको स्टे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है. What I really liked is the caretaker service here. They are very attentive and उसी के साथ आपको खाने में भी अच्छे options मिल जाते हैं. So you can enjoy a complete staycation experience that too in a very good cost. Gonna end this video right here. अगर आपको और कोई भी सवाल हो तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट्स में पूछना. अब मैं आपको जो स्पेशल प्राइस बता रही हूँ कि आप इस स्टे को बुक कर सकते हो फॉर ओनली ₹6,000 दैट टू फॉर टू पीपल. ये प्राइस सिर्फ मेरी चौपमंच की ऑडियंस के लिए है. डिटेल्स आई एम गोना प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अगर जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप बुक करोगे तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्पेशल ऑफर प्राइस. सो आई विल सजेस्ट डोंट वेट फॉर एनी लॉन्गर, जस्ट बुक इट राइट अवे. इस वीडियो का शाउट आउट जाता है शुभम कोइंडे को. थैंक यू सो मच शुभम फॉर योर लवली कॉमेंट. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट्स में अपने आने वाले प्लान्स या you know, कुछ ऐसे रिक्वेस्ट रखते हो जो मैं अपने अगली वीडियोस के लिए यूज कर सकती हूँ. सो कीप डूइंग दैट. आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर फन मोर अमेजिंग. टिल देन बाय गाइस, लव यू, टेक केयर. मॉर्निंग गाइज, इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग. आप लोग सोचोगे शमा इतने सुबह सुबह क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है ना. बहुत दिनों से मेरा और शशांक का इतना टाइट वर्क स्केड्यूल चल रहा है, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है. मतलब ना मुंबई में टाइम मिल रहा है ना बाहर टाइम मिल रहा है. तो मैंने सोचा यार वी डिजर्व वन गुड वीकेंड आउट ऑफ मुंबई. एंड क्या है, यूजुअली हम लोग करजत, लोनावला, अलीबाग, फॉर दैट मैटर इवन महाबलेश्वर, माथेरान जैसे स्पॉट्स पे बहुत जाते रहते हैं. सो आई वॉन्टेड टू गो टू सम न्यू प्लेस. एंड इसके लिए जब मैं रिसर्च कर रही थी ना कि यार मैं कहाँ जाऊँ, सो आई केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन विच इज देयर इन आमसर कोकण दापोली. फाउंड अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज चिनार वुड्स. तो मैंने फटाफट अपनी बुकिंग कर ली एंड आज हम वही जा रहे हैं. इतने विस्तार में बताया है क्योंकि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना. आज की वीडियो में आपको ना मेरा पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इट इज गोइंग टू बी वन रिफ्रेशिंग वीडियो फॉर मी एंड यू बोथ ऑफ अस. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. बट बिफोर दैट, फॉर ऑल ऑफ यू हु आर न्यू ऑन माई चैनल, हाई गाइज, माई नेम इज शमा एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट अबाउट food, travel, lifestyle, everything fun on Chopman's Repeats. If you enjoy watching my videos, don't forget to hit that like button. Also subscribe to my channel. And now let's go. Also guys, 5 seconds of your attention for my dress for being so pretty. Hum log beach location pe ja rahe hain. I wanted to wear something light, something breezy. Let's go. अभी हमारा यहाँ से और 3 घंटे का सफर है. मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लोग बाय रोड आना चाहते हो और अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको 5 घंटे 5.5 घंटे आराम से लगेंगे. बट अगर आप लोग ट्रेन से भी आ रहे हो ना तो भी आई थिंक इट विल बी इक्वली कन्वीनियंट बिकॉज ऑफ कोर्स कोंकण रेलवे से आपका सफर बहुत अच्छा होगा. फाइनली 5 घंटे की ब्यूटीफुल रोड ट्रिप के बाद वी हैव रीच्ड चिनार वुड्स रिजॉर्ट. मैंने चेक इन कर लिया है. लेट्स टेक अ लुक एट आवर रूम. दिस इज माई रूम 201. की वेलकम. वाओ, टन टना. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज चेकिंग इन टू अ फ्रेश रूम. दिस रूम लुक्स सो प्रीमियम एज यू एंटर एंड जस्ट लुक एट द व्यू आउटसाइड. पूरा माउंटेन्स का व्यू है, सो मच सनलाइट कमिंग इन. दिस इज आवर कॉम्फी डबल बेड. साइड में यहाँ पे सिटिंग है एंड आपको ना यहाँ पे सारी पेंटिंग्स मैं जो दिखा रही हूँ ना उनपे एकदम गौर से ध्यान देना. मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको. ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स एरिया है. There is a full length mirror given over here and साथ में यहाँ पे ये this is a closet where you can keep your सामान like we did. Room की vibe ना इतनी positive and इतनी fresh आ रही है मुझे. Everything right from the washroom area बहुत spacious है, बहुत clean है and बहुत ही luxurious है. There's a TV, Wi-Fi, completely air conditioned room of course and then this. The best part is that with every room you get your own private balcony. Oh my god.
गॉड बहुत इंतजार किया है मैंने कि मैं अपने लिए कोई ब्रेक लू. यू नो बहुत लोगों को शॉकिंग लगेगा कंसिडरिंग कि मैं कितना बाहर जाती हूँ, बट आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू सच वेकेशंस. एंड यहाँ पे ना इसके लिए मतलब एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स टू दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दिस व्यू. इतनी गर्मी का मौसम है, 38 डिग्रीज हो रहा है बाहर एंड मुझे पसीना नहीं आ रहा है, तो आप लोग समझ जाओ. एंड जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू यार, मुझे और कुछ नहीं बोलना, आप बस देखो ये. सनसेट हो गया है, माई कॉफी इज हियर. इतनी अच्छी ठंडी ब्रीज चल रही है यहाँ पे ना. आप आसपास देखो, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है ना, आम के पेड़ ही है. एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे स्विमिंग पूल एरिया ऐसे एकदम यू नो उसकी पेड़ों की छाव में है. वाओ, आई थिंक टुमारो मॉर्निंग आई विल गो इनटू द पूल. एंड अभी ना अपनी कॉफी खत्म करके आई वॉन्ट यू ऑल टू मीट समबडी वेरी स्पेशल, जिनसे मेरी मुलाकात यही पे हुई है. एंड यू नो मैंने उनसे कुछ देर बातें की दोपहर को, तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. कुछ लोग होते हैं ना जिनकी कुछ और कुछ एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे बहुत ऐसे यादगार रहेंगे हमेशा. तो ऐसी किसी शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ. आफ्टर दिस चिनार वुड्स रिजॉर्ट के फाउंडर मिस्टर संजय हिरस्कर सर और यहाँ पे मैम है गीता मैम, इनसे मैं खास बात करना चाहती थी आज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया द मोमेंट आई हैव एंटर्ड द प्रॉपर्टी यहाँ की वाइब है ना बाकी रिजॉर्ट से इतनी ज्यादा अलग है. तो सर मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्या था इसे बनाने के पीछे? कोकण का मुझे थोड़ा अट्रैक्शन था, और मुझे ही नहीं सभी को होता है, मुंबई वासियों को सबको कोकण. लेकिन कोकण क्या होता है, कोकण बहुत वास्ट है. हम लोग समझते थे कि कोकण यानी रत्नागिरी के आगे वाला कोकण, बट अपोली इज अ गेटवे ऑफ कोकण. और इतना नजदीक है मुंबई से, पुणे से 5-6 घंटे की दूरी पे हम कोकण में आते हैं, तो एक रीजन चेंज होता है. क्षमा, मेरा ऐसा मानना है कि आप घर से अगर 4-5 घंटे की ड्राइव करो तो ही आपको डिफरेंस मालूम पड़ता है, क्लाइमेट डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस. आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं. बहुत लोग ऐसे गलत फहमी रहते हैं कि नजदीक है क्या 2 घंटे पे. 2 घंटे पे आप जाके फिर आपको आपका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, तो फिर अपना घर ही क्या बुरा है, एसी लगाओ और घर में रह जाओ. और अभी आप देखो कि जो अभी मैं चेंज जो बता रहा था, वो यही आपको मालूम पड़ेगा कि ये 13.5 एकड़ के प्रॉपर्टी है, उसमें 1100 मैंगो ट्रीज है. तो ये आपको मुंबई में या मेट्रोज में तो नहीं मिलेंगे, तो आपको तो थोड़ा दूर तो आना ही है. मैं देख रही थी बॉम्बे में फिलहाल 38-39 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पर यहाँ पे हम लोग इतने आराम से बैठे हैं एंड फील नहीं हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है. और दूसरी बात, मेरा हॉबी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बहाने अराउंड 40+ कंट्रीज में मैंने विजिट किया है. एंड आप लोग देखोगे राइट फ्रॉम द रिसेप्शन एंड रूम्स में भी आपने इतनी सारी फोटो फ्रेम्स दिखी, एंड वो सारे फ्रेम्स एक्चुअली संजय सर के अपने क्लिक्स है, अपने फोटोग्राफ्स है. इनफैक्ट जो रिसेप्शन पे आपने फ्रेम देखी उसके लिए तो सर को अवार्ड भी मिला है बीबीसी की तरफ से. तो व्हाई चिनार वुड्स? ये जो पेड़ है चिनार का, ये वहाँ का कश्मीर का पेड़ है, एवरग्रीन. कश्मीर की पहचान है चिनार. बहुत ही अलग अलग किस्म के पेड़, ग्रीनरी, प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट स्पेसिफिकली जो आपने बॉन्साई के प्लांट्स यहाँ पे रखे हैं और इतने सारे 2018 वो एक ही प्लांट ऐसा है कि उसको हम चाहे जैसा शेप दे सकते हैं, उसको हम पॉट में से निकाल सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं. तो मैंने एक गणेश जी बनाए है, उसको मुझे बनाने में कम से कम 20-22 साल लगे. दापोली इज अ ओनली प्लेस लाइक अ मिनी महाबलेश्वर, लेकिन महाबलेश्वर को सी नहीं है, हिल्स है. यहाँ हिल्स भी है और सी भी है. ट्रैवलर्स के लिए अगर कुछ अच्छी जगह बनानी है तो ट्रैवलर से बेहतर और कौन बता सकता है. सो थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. यू नो मैं आई थी यहाँ पे अपना हॉलीडे मनाने के लिए, बट व्हेन आई गॉट टू नो दैट सर इज हियर, आई रियली वांटेड टू स्पीक टू हिम. एंड आई एम श्योर अगर आप लोग भी यहाँ पे आओगे ना, टेक अ लुक एट हिज फोटोग्राफ्स, आप तभी फैन हो जाओगे. मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं, मुझे उठे 1 घंटा हुआ है. मैंने जो काम मॉर्निंग यहाँ पे एंजॉय किया है ना, दिस लुक्स मेस्मराइजिंग. मतलब सुबह से मेरे दिमाग में ना मैं काम कर रही हूँ, एक ही गाना चल रहा है, कोकण कोकण.
कोकण बिकॉज क्या वाइब है यार दापोली को ना. ऐसे मैंने कल जिनसे जिनसे बात की देवर कॉलिंग इट मिनी महाबलेश्वर एंड एक्चुअली महाबलेश्वर की वाइब है. नो वंडर इसको मिनी महाबलेश्वर भी बोलते हैं. इतने माउंटेन्स दिख रहे हैं. मुझे नहीं लगता आप दापोली में पूरा घूमोगे ना आपको एक भी ऐसा रिजॉर्ट मिलेगा जहां से आपको ऐसा व्यू मिलेगा. इतना क्रेजी. एंड मुझे ऐसे बाहर देख के ना पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हुई है क्या, क्योंकि इसका मतलब पूरा पूरा मॉनसून वाली वाइब आ रही है. मुझे ऐसी बूंदे भी टपकती हुई दिख रही है ऊपर से. बट ये बहुत सुंदर लग रहा है यार. मुझे ऐसे लग रहा है ये धुका है. एक्चुअली मराठी में धुका बोलते हैं हम. मिस्ट है क्योंकि हमारी गाड़ी के ऊपर भी मिस्ट है. यहाँ पे ना गाइस आप नीचे जितना पूरा एरिया देख रहे हो ना, एक तो ही आमची सुंदर लाल माती कोकणातली. ओह आई मिस दिस सो मच. ये पूरा गाइस पार्किंग का एरिया है. यहाँ पे आपकी गाड़ियां पार्क हो सकती है. एंड यहीं से नीचे रिसेप्शन की एंट्री है. आपकी गाड़ी भी बिल्कुल आंखों के सामने रहेगी. एंड यहीं से आप देख सकते हो ये पूरी जो ट्रेल बनी हुई है ये आपको ले चलती है रेस्टोरेंट की तरफ. प्लान इज टू फिनिश सम वर्क नाउ एंड उसके बाद मुझे बस करना है अच्छा अभी गर्मा गर्म फ्रेश ब्रेकफास्ट एंड देन आई थिंक विल गो इन टू द पूल. यार मैं कल से वेट कर रही हूँ एक्चुअली पूल में जाने का. यस्टरडे आई वाज सो टायर्ड आई जस्ट वांटेड टू सिट एंड डू नथिंग. बट आज मैं जाना चाहती हूँ पूल में. मैंने यहाँ पे 2 दिन का स्टे बुक किया है तो आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. यहाँ पे हमें आसपास अगर कुछ देखना है घूमना है तो व्हाट आर प्लेसेस यू थिंक वी कैन गो टू. दापोली में देखने के लिए बहुत कुछ है. यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूरी पर बीचेस लगते हैं. बीचेस में आप देखेंगे तो मुरुड़ बीच है, करदे बीच है, लाडगर बीच है. सबसे ज्यादा एक्टिविटीज मुरुड़ बीच में ज्यादा से ज्यादा रहती है. हिस्टोरिकल प्लेसेस है, टेम्पल्स है, फोर्ट है, केव्स वगैरह है. कुछ लोगों को पता नहीं है जो महान लोग है, महर्षि धोंडू केशव कर्वे, साने गुरुजी, माता रमाई, आंबेडकर, इथून सुरुवात झालेली आहे. 1100 मध्ये कड्यावरचा गणपती या गणपतीची स्थापना झाली. चंडिका मातेचं मंदिर आहे या इथे भुयारामध्ये. हिस्टॉरिकल दाभोळ बंदर आहे. किसी भी रिजॉर्ट के एक्सपीरियंस में स्टे जितना इम्पोर्टेंट होता है ना उतना ही फूड इम्पोर्टेंट होता है. एंड स्पेशली जब आप मोर टुवर्ड्स कोंकण रीजन आते हो, इनफैक्ट या पूर्ण कोंकण पट्टी वर, यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेश सी फूड. एंड फ्रेश सी फूड में इतनी सारी वैरायटी. जस्ट लुक एट द फूड स्प्रेड इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब देर इज चाइनीज, देर इज तंदूर, देर इज ऑथेंटिक कोंकणी फ्राइड फिश. व्हाट एल्स डू यू वांट? समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली मुझे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. एवरीथिंग इज माय फेवरेट. बट जब से ये स्क्यूअर्स आए ना मेरा ध्यान सिर्फ इस पे है. सो हियर वी हैव प्रॉन्स साटे. ये ऐसे स्क्यूअर्स में यू नो फ्राइड प्रॉन्स लुक्स वेरी टेम्पटिंग. माय गॉड सो गुड. पीनट्स तो इतने बढ़िया लग रहे ना इसके ऊपर. एक्सपीरियंस को और एक थोड़ा एक्स फैक्टर ऐड हो जाता है. फॉर चाइनीज लवर्स वी आल्सो हैव रियली टेम्पटिंग लेमन चिली सिजलर्स. चिकन में है ये एंड बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं ऊपर मुझे. चिली फ्लेक्स भी दिख रहे हैं. सो गुड. वाओ टैंगी. यहाँ पे ना वेजिटेरियंस के लिए भी उतनी ही वैरायटी है जितनी नॉन वेजिटेरियंस के लिए है. तो अगर आप प्योर वेज या जैन भी हो तो आपको जैन में भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. जैसे वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे मेरे पास मेपल गार्डन, ये इनका स्पेशल वेजिटेरियन प्लेटर है जो आपको यहीं पे मिलेगा. देर आर मशरूम्स, देर इज कॉलीफ्लावर, देर इज पनीर, अ लॉट ऑफ टेम्पटिंग तंदूर वेजीज. लेट्स ट्राई द मशरूम. आई लव मशरूम. ओह गॉड. मैंने तो जब यहाँ पे स्टे भी बुक किया था ना, आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड टू ट्राई द सी फूड. यहाँ पे दापोली में आपको बहुत फ्रेश सी फूड मिलता है, फिर चाहे सुरमई हो, पॉम्फ्रेट हो. हियर आई एम ट्राइंग द सुरमई रवा फ्राई. मालवणी माणसासमोर मच्छी आणा अजून काय पाहिजे. हियर वी ऑल्सो हॅव सम गोवन फिश करी. इसमें ये सुरमई फिश है एंड वी विल हैव इट विद दिस. दिस इज अ गार्लिक कुलचा, गार्लिक बटर कुलचा. क्योंकि ये एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग क्यूजीन की बहुत ही क्वालिटी वैरायटी मिलती है. मतलब एवरीथिंग यू विल ट्राई ना, आपको खाते से ही पता चलेगा कि देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी एंड सारे इंग्रेडिएंट्स इतने प्रीमियम यूज किए हुए हैं. मुझे लगता है मैं अगर दापोली में और भी कहीं अगर रह रही हूँ ना तो भी इस
स्पेशली फॉर हैविंग फूड आई कैन कम टू दिस प्लेस, इट्स सो गुड एंड सरप्राइजिंगली आपको पता है कि मैं कितने जगह घूमती हूँ और कितने रिजॉर्ट में मेरा रेगुलर स्टे होता है, ऐसा बहुत कम प्लेसेस में होता है जहाँ पे आपको स्टे से ही इक्विवेलेंट अच्छा खाना मिले एंड वो भी इतनी वैरायटी के साथ 10 on 10 points ऑफ द फूड. एवरीथिंग आई हैड राइट फ्रॉम द लंच यस्टरडे टू टुडे, माय डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस, लाइक रियली गुड. आप खाओगे ना तो ही आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ. That is it for this vlog guys. It is time for us to leave Chinar Woods Resort. But मैं क्या कहूँ, मेरा ना honestly मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ. ये कोकन की हवा में ही ऐसी कुछ बात है ना कि यहाँ पे ना मैं जब भी आती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना स्टे हमेशा एक्सटेंड करूँ. एंड आप भी अगर आओगे ना आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि यार 2 दिन का स्टे भी कम पड़ रहा है. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोग को पूरा इस रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस अपने वीडियो के थ्रू दिखाऊँ एंड आई एम श्योर आप लोग को भी अच्छा लगा होगा देखने में. अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी और सवाल है एंड अगर आप लोग भी हमारी तरह यहाँ पे आके एक अच्छा स्टेकेशन या फिर वर्केशन एंजॉय करना चाहते हो तो आपको इस प्रॉपर्टी की बुकिंग डिटेल्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग देख सकते हो. मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली देख रहे हो, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू प्लान अ 2 or 3 days स्टे जहाँ पे आप आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो. बिकॉज दिस इज लोकेटेड इन दापोली, ये मुंबई से सिर्फ 5 से 6 घंटे के डिस्टेंस में आपको कोंकण का 100% एक्सपीरियंस देने वाली जगह है. आई एम श्योर मैं जब अगली बार दापोली आऊंगी ना तो अपने हाथ में और थोड़े दिन लेके आऊंगी ताकि मैं और इस जगह का लुफ्त उठा सकूं. बट तब तक के लिए आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट हियर. अगर आपको कोई भी सवाल हो तो बेझिझक मुझे कॉमेंट में पूछना. इस वीडियो का शाउट आउट जाता है सचिन पाटिल को, थैंक यू सो मच सचिन. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे यू नो पर्सनली बताते हो कि कैसे आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करते हो, इससे मुझे काफी हेल्प भी होती है एंड यू नो आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ एंड माई वीडियोज मोर एंड कीप क्रिएटिंग सच कॉन्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर अमेजिंग. ट्रैवल कॉन्टेंट, स्टेकेशन कॉन्टेंट और बहुत सारा फन कॉन्टेंट आने वाला है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपना प्यार ऐसे हम पे बरसाते रहना. बाय गाइज, लव यू, टेक केयर.